फ्रेंड्स, इस बॉर्डर को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 10 के मल्टीपल में फंदे डाल के और दो फंदे मैंने ये एक्स्ट्रा लिए हैं। यहाँ पर मैंने टोटल 52 यानी कि 52 फंदे डाले हैं। मैंने यहाँ डबल सिलाई में फंदे डाले हैं और इसे अब हम एक सिलाई को ऐसे इस तरह से निकाल लेंगे। इस तरह से ये इस तरह से हमारे थोड़े से लूज फंदे आए तो हमारा ये बॉर्डर का डिज़ाइन बहुत ही अच्छी तरह से बन जाएगा। तो ये मेरी यहाँ पर बॉर्डर डिज़ाइन की पहली सिलाई है फ्रेंड्स और सीधी सिलाई है। पहले फंदे को हम स्लिप करेंगे। अब एक फंदा हम ऐसे सीधा बनाएंगे। सीधा बनाने के बाद जो फंदा सीधा बनाए इसे लेफ्ट नीडल पे लेके अब 9 फंदे हम इसके ऊपर से ऐसे स्लिप कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 8 और ये 9। 9 फंदे मैंने इसके ऊपर से स्लिप किया और 10वां फंदा मेरा ये है यानी कि 10 फंदों का डिज़ाइन। अब हम इस फंदे को इस सिलाई पे इस तरह से लेके आएंगे। अब आगे फिर से एक फंदा हम इस तरह से सीधा बनाएंगे। सीधा बनाने के बाद इस फंदे को हम इस नीडल पे लेके फिर से हम 9 फंदे इसके ऊपर से ऐसे स्लिप कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 9 फंदे ये ऊपर से स्लिप किए, एक फंदा मेरा ये है। तो ये हमारे 10 फंदे टोटल बने हैं। तो इस फंदे को हम ऐसे इस तरह से सिलाई पे डाल लेंगे। फिर से हम एक फंदा ऐसे सीधा बनाएंगे इस तरह से। फिर से हम जो सीधा फंदा बनाया है उसे लेफ्ट नीडल पे लेके और 9 फंदे फिर से हम इसके ऊपर से ऐसे स्लिप करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। 9 फंदे मैंने इसके ऊपर से स्लिप किया, 10वां फंदा मेरा ये है जो बुना हुआ। तो इसे हम इस तरह से सिलाई पे ले आएंगे। फिर से हम अगला एक फंदा सीधा बनाएंगे। इस तरह से हम सीधा बनाएंगे। फिर से ये बुने हुए फंदे को हम इस नीडल पे लेके आएंगे और फिर से हम 9 फंदे इसके ऊपर से स्लिप करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 9 फंदे तो मैंने इसके ऊपर से स्लिप किया, 10वां फंदा ये भी काउंट करेंगे। ये हमारे 10 फंदों का डिज़ाइन है। अब इस फंदे को हम इस सिलाई पे लेके आएंगे। फिर से हम अगला एक फंदा हम ऐसे सीधा बनाएंगे। अब जो सीधा फंदा बनाया था फिर से हम इसी नीडल पे लेके जाएंगे और फिर से हम 9 फंदे इसके ऊपर से काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। 9 फंदे ऊपर से स्लिप किए, 10वां फंदा मेरा ये है। इसको ऐसे स्लिप करेंगे और लास्ट के फंदे को फिर से हम ऐसे सीधा ही बना लेंगे। ये मेरा इस तरह से डिज़ाइन बनना शुरू हो गया है। अब हम आ गए इसकी दूसरी सिलाई और ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, उल्टी सिलाई की तरफ। अब हम पहले फंदे को स्लिप करके
यहाँ पर हम अपने हिसाब से फंदे डालेंगे, यहाँ मैं कितने फंदे ऐड करूँगी वो आपके ऊपर डिपेंड है अपने प्रोजेक्ट के अनुसार। एक, दो, तीन, चार, मैंने यहाँ पर चार फंदे काउंट किए। फिर एक फंदा ये सीधा बनाएंगे, फिर से हम यहाँ पर चार फंदे ऐड करेंगे, एक, दो, तीन और चार। फिर से हम अगला फंदे को हम ऐसे सीधा बनाएंगे, फिर से हम चार फंदे ऐड करेंगे, एक, दो, तीन और चार। फिर से हम अगले फंदे को ऐसे सीधा बनाएंगे, फिर से हम यहाँ पर चार फंदे ऐड करेंगे, एक, दो, तीन और चार। फिर से अगला फंदा हम सीधा बनाएंगे, फिर से हम चार फंदे ऐड करेंगे, एक, दो, तीन और चार। फिर से हम अगला फंदा ये सीधा और लास्ट के फंदे को भी हम सीधा ही बना लेंगे। अब हम आ गए इसकी तीसरी सिलाई फ्रेंड्स और सीधी सिलाई की तरफ। ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, इस सिलाई को हम पहले फंदे को स्लिप करके पूरी सिलाई को हम सीधा सीधा ही बना लेंगे। इस तरह से तीसरी सिलाई है और सीधी सिलाई है। इस सिलाई को हम पूरी सिलाई को ऐसे सीधा सीधा बनाते हुए अपनी सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। ये मैंने तीसरी सिलाई को सीधी साइड से बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब आ गई इसकी चौथी सिलाई और सीधी सिलाई की, उल्टी सिलाई की तरफ। इस सिलाई को पूरी को हम ऐसे उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। फोर्थ सिलाई है और उल्टी सिलाई है, पूरी सिलाई को हम उल्टा उल्टा बना लेंगे। मैंने फोर्थ सिलाई को उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लिया। अब हम जैसे मैंने तीसरी और चौथी सिलाई बनाई थी उसी तरह से हम चार सिलाई और बनाएंगे। बना के फिर दिखाती हूँ ये पैटर्न किस तरह से दिखाई देगा। देखिए मैंने यहाँ पर बिल्कुल सिंपल टोटल यहाँ पर छह सिलाई बनाई है, सीधे तरफ से सीधी और उल्टी तरफ से उल्टी। तो मेरा ये बॉर्डर डिज़ाइन कुछ इस तरह से बन के आया है। अगर फ्रेंड्स आपने मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ।